तो भाई मेल्ट हो रही है बहुत जल्दी है, तो भाई जलें जल्दी जल्दी से ख़त्म करते हैं। तो भाई सारी सलाद में वो लगता है राफे ही खा जाएगा। तो भाई सारी सलाद खा जाएगा क्या करेगा भाई, तू खा लेगा सारी सलाद? तो भाई कहाँ सारी खाई है, पूरी प्लेट भरी हुई है, तो खुदा का खौफ कर यार। अभी जब खाना आएगा ना हम लोग दोनों खा लेंगे, ख़त्म करके छोड़ेंगे, आखिर में आपको दिखाएंगे ज़रूर। ये खाली बोल रहा है कि हमने खाया, झूठ बोलता है, ज़्यादा इसी ने खाया, चुन चुन के बोटियाँ निकाली इसने। ये भाई इंसान नहीं जानवर है, मैं आपको बता रहा हूँ, मोटा देख के डरना नहीं, पतला देख के लड़ना नहीं, ये जो हड्डियाँ इसकी तोड़ी है ना, हिसाब होगा। ये हड्डियाँ मैंने नहीं तुमने तोड़ी है, इसको कौन खत्म करेगा? बस भाई इसको पार्सल करा लो, आपको रोटी चाहिए? अरे भाई पार्सल करो भाई, अब इसमें जो बोटी है वो मैं कबूतरों को खिलाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम बाजी हजरात, आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद की खुशियाँ मुबारक हो। तो भाई राफे और मैं एक घंटे से बाहर हो रहे हैं, कहाँ जाए कहाँ जाए, तो इस वक्त हम मौजूद है पीसी होटल के बाहर। आपको क्या लगा पीसी होटल जाने? अबे नहीं भाई, क्या हो गया, अभी इतनी औकात नहीं है पीसी होटल जाने की, हो जाएगी तो आपको वहाँ भी ज़रूर लेके जाएंगे, मगर अभी राफे और मैं डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हम कहाँ जाएँ। तो राफे भाई कब से बोल रहे हैं यार क्लिफ्टन चलो क्लिफ्टन चलो, तो अभी देखो अभी हम कहाँ जाते हैं। लेकिन आपसे बहुत बहुत माजरत चाहूँगा कि हमारी ईद की वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई, तो दिल की गहराइयों से माफ़ कर दीजिएगा और हमें दुआओं में ज़रूर याद कीजिएगा। तो चले देखते हैं कि अभी हम कहाँ जा रहे हैं, तो आ जाए। भाई आज है ईद का दूसरा दिन और राफे और मैं कब से सोच रहे थे कि कहाँ जाए कहाँ जाए कहाँ जाए, तो राफे भाई ने बोला भाई हमजा तू ना चले दुआ रेस्टोरेंट, तो हम क्लिफ्टन के अतराफ में ही थे, तो हमने बोला चलो भाई दुआ रेस्टोरेंट चले जाते हैं। तो अभी हम पहुँच चुके हैं दुआ रेस्टोरेंट, जहाँ की कढ़ाई बहुत मशहूर है, तो हम इनकी कढ़ाई टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे कैसी है, तो आ जाए हमारे साथ। भाई क्या ढूंढ रहे हो? जगह नहीं मिल रही यार, जगह ढूंढ रहे हैं और क्या ढूंढ रहे हैं भाई, जगह करा दो यार। और फाइनली हमें आखिरकार जगह मिल गई है, तो भाई अभी इनका मेन्यू कार्ड देखते हैं और डिसाइड करते हैं कि अभी हमें क्या बनाना है, भूख से बेहाल हुए जा रहे हैं, तो भाई आ जाए। मेन्यू का शायद है कितना बड़ा है, सब तो नहीं मंगा सकेंगे, देखते हैं क्या क्या बनाना है। तो भाई फाइनली ऑर्डर भी कर दिया, तो ज़्यादा कुछ तो नहीं मंगाया, तो आ जाएँ जैसे ही ऑर्डर आएगा आपको बताएंगे क्या है, कम से कम भी 20 मिनट इंतज़ार करना पड़ेगा। तो भाई ऑर्डर तो हमने दे दिया था, मगर ये अभी सलाद और रायता ले आए हैं, तो भाई सलाद और रायता अगर आपको लग रहा हो कॉम्प्लीमेंट्री है, तो नहीं भाई कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, इसके भी पैसे लेते हैं, हालांकि हमने ऑर्डर नहीं दिया था। रायता तो बहुत अच्छा है, खाना चेक करेंगे। तो यार अभी हम जा भाई इंतज़ार कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं क्या हो रहा है। भाई ये तो पूरी सलाद खा जाएगा लगता है। अरे हमजा सलाद से ही पेट भरेगा क्या? तो भाई खाना तो दे नहीं रहे, सलाद ही खाएंगे ना क्या करेंगे भाई, मैं तो सलाद कर रहा हूँ, आप तो सब्सक्राइब कर दो यार। खाना आ चुका है, तो सबसे पहले ढक्कन हटाते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या है। और इसमें क्या है, मलाई टिक्का। वाह भाई वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, रहा नहीं जा रहा है, तो ट्राई करना, खाना मस्त है। तो भाई शुरू करते हैं, अल्लाह का नाम लेके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
आप अक्सर जगह पे खाएंगे ना, तकरीबन सेम फ्लेवर ही होता है। जो इसका जो मेन खेलने का मकाम होता है ना, जो आप बोलो कि बंदा कहाँ खेलता है, वो की इसकी ग्रेवी। अगर आपको उसका सालन अच्छा मिले ना, तो आप बोलो कि हाँ यार कढ़ाई, कुछ कढ़ाई है। मगर मैं इसमें एक शिकायत है, इन्होंने इसकी जो ग्रेवी है बहुत ही कम दी है, खाली रोटियाँ और तेल ही मार के दे दिया है। रोटियाँ थोड़ी ठंडी हैं, रश का टाइम भी है, दूसरी ईद है आपको पता है। तो खैर इस बारे में तो हम नहीं करेंगे बहस, तो बस अल्लाह का नाम लेके खाते हैं, एक और बैठ लेते हैं कढ़ाई। जितना चिकन का जूसी है ना, बहुत ही अच्छा चिकन की क्वालिटी। अभी ट्राई करेंगे तिक्का। ये स्पेशल मलाई टिक्का है। हमने इनके वेटर से पूछा कि भाई हमें टिक्के में क्या ट्राई करना चाहिए, तो उसने हमें सजेस्ट किया कि भाई आप मलाई टिक्का खाओ, बहुत ही अच्छा है स्पेशल मलाई टिक्का। तो अभी से ट्राई करने लगे। लाइट लाइट सा फ्लेवर है, मसाला बिल्कुल ही सॉफ्ट, बहुत ही हल्का मसाला है। ऐसा लग रहा है कि मुर्गी को सेक में डाल के कोयले पे सेक दिया है। तो भाई अभी राफे भाई को भी खिलाना है वरना नाराज़ हो जाते हैं। तो हमजा खा, तू खा जाएगा क्या करेगा? तो भाई पहले एक बाइट मार लो फिर राफे भाई। भाई हमारी बारी आ चुकी है, चले फिर खाते हैं, इसे ट्राई करते हैं कैसी है। जी हमजा भाई मैंने खा के इसे ट्राई किया, जैसा आपने रिव्यू दिया था हमजा भाई आपने, सेम वैसा ही है। और कढ़ाई का टेस्ट भी हो रही है जैसे आम टमाटर होता है। चले अभी मलाई टिक्का इनके स्पेशल मलाई टिक्का ट्राई करते हैं और बता दें कैसा है। छाट छाट के बोटिया खा रहा है राफे भी भाई। राफे भाई टिक्का कैसा लगा? इतनी भूख लग रही है राफे को कि छोड़ ही नहीं रहा, लगता है टिक्का राफे को पसंद आ गया भाई। यार जैसा कि आपको पता है कढ़ाई तो मैंने खा ली, अब मलाई टिक्का खाया और मलाई टिक्का का टेस्ट यानी ऐसा है कि फ्लेवर जैसा इन्होंने लगाया है मगर वो फ्लेवर अंदर तक चरा नहीं है, जैसा कि आम उमूमन मलाई टिक्का मिलता है वैसा तो नहीं था। चले खैर है, अभी इस खाने को खाते हैं और ख़त्म करते हैं। तो मैंने तो खा लिया, अभी हमजा अभी भी खा रहा है। चले देखते हैं ये क्या खाता है और कितना खाता है। अरे हमजा भाई बस कर जाओ, सब कुछ तो खा गए। तो भाई कढ़ाई से हमें एक ही शिकायत रही है, बोटियाँ ज़्यादा ग्रेवी कम थी, खाली रूखी रूखी बोटियाँ ही खाई हैं हमने और खाली तेल तेल डाल दिया था, ग्रेवी थोड़ी कम थी मगर अच्छी थी। टिक्का तो राफे में पूरा ही खा गए, ये खाली बोल रहा है कि हमने खाया, झूठ बोलता है, ज़्यादा इसी ने खाया, चुन चुन के बोटियाँ निकाली इसने। अरे भाई ये इसकी हालत ऐसी मैं कर सकता हूँ, आप लोग बताएं इसकी क्या हालत कर दी है ये भाई, इंसान नहीं जानवर है। मैं आपको बता रहा हूँ, मोटा देख के डरना नहीं, पतला देख के लड़ना नहीं, ये इसने खाया बता रहा हूँ। अंदर भाई आपने खूब मजे लूट लिए आज तो, अल्हम्दुलिल्लाह भाई अल्लाह का शुक्र है। वैसे एक बात बोलूँ, बड़ा गलत किया वैसे आपने बेचारी मुर्गी के साथ, क्या हाल कर दिया इस गरीब का। यार झूठ नहीं बोलो, खुदा बात का गौर करो, ये जो हड्डियाँ इसकी तोड़ी है ना, ये वहाँ हिसाब होगा। ये हड्डियाँ मैंने नहीं तुमने तोड़ी है, एक मेरी बोतल पी रहा है और एक खुद की पी रहा है। ये देखो, अगर आपको यकीन नहीं आया तो आपने देख ही लिया होगा कि ये टिक्के की हालत भी किसने करी थी, ये आप देख सकते हैं। अल्लाह का शुक्र है भाई खाना खा चुके हैं, बहुत मज़ा आ गया।
इसको कौन खत्म करेगा? बस भाई इसको पार्सल करा लो। आपको रोटी चाहिए? अरे भाई पार्सल करो भाई, पार्सल करो। अरे कुछ भी नहीं बचा। अरे इसको पार्सल करवाने वाला था ये तो। भाई क्यों छोड़ रहे हैं सब? इसमें जो बोटियां हैं वो मैं कबूतरों को खिलाऊंगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमजा भाई ने इन सब की हालत कर दी है और खुद खड़ा हो चुका है। हमजा कैसा लगा? मज़ेदार। तो भाई अभी जो हमने खाना खा लिया है तो अभी चलें कुछ मीठा ट्राई करेंगे। तो आ जाए भाई, अभी हमने पान लिया है तो पान खाएंगे। खाने के बाद कुछ मीठा तो हो ही है। कैसा लगा पान? तो भाई कढ़ाई खाने के बाद कुछ मीठा तो बनता था, और मीठा बनाने के लिए रास्ते में हमें नज़र आ गया बास्केट ओवन, और राफे भाई के मुंह से पानी आना शुरू हो गया। तो अभी राफे भाई हमें ले आए बास्किन रोबिन। राफे भाई मोहब्बत में जाना तो पड़ेगा। आ जाओ भाई चलते हैं, आइसक्रीम ट्राई करते हैं। हमजा भाई कैसी लग रही है? वाह यार, ट्विक्स चॉकलेट खाई है आपने? वो भी आ रही है इसके अंदर। और मुझे आप बोल रहे थे इतनी महंगी दिलवा दी। यार महंगी तो है ना यार, 290 रुपए का एक स्कूप है। महंगी है मगर महंगी के पैसे भी हैं। क्वालिटी बहुत अच्छी है यार, क्वालिटी होगी। और ये जो हमने इनका जो दिया है डबल चॉकलेट है, ये इनका मंथ ऑफ आइसक्रीम के नाम से अवार्डेड किया गया है इन्होंने। इस खुद ही बनाया, खुद ही अवार्ड दे दिया। मैं बोला भाई आप ये ट्राई करो सर, आपको बहुत अच्छी लगेगी। वाकई में अच्छी भी है, नो डाउट बहुत अच्छी है। तो आइए और खाता हूँ। मेल्ट हो रही है बहुत जल्दी है, तो भाई जलें जल्दी जल्दी से ख़त्म करते हैं। आइसक्रीम का कोई क्लास नहीं है यार, बहुत अच्छी। जल्दी जल्दी भाई से ख़त्म करते हैं। अरे सच बताओ कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। मैं सही जगह लाया था या गलत जगह? बहुत अच्छी लगी भाई। वैसे मैं मजाक कर रहा था, आइसक्रीम बहुत अच्छी है। अगर आपकी जेब ज़्यादा दे ना तो इनकी आइसक्रीम ज़रूर ट्राई करें। एक ना एक बार तो ट्राई करें, आपको सुकून मिलेगा। मेरी बात माने, बहुत अच्छी आइसक्रीम है। पूरी खा गया हूँ मैं तो, मेरे को तो बहुत अच्छी लगी। तो भाईजान कढ़ाई खा ली, टिक्का भी खा लिया और आइसक्रीम भी खा ली, बहुत ही मज़ा आ गया। ईद का दिन सुपर डुपर चले गया। तो भाई हम अपना व्लॉग इंशाल्लाह यहीं एंड करेंगे। तो आप लोगों के भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप भाइयों ने हमें अभी तक जो प्यार दिया हम उसके आप पे एहसान मंद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्लीज़ यार लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। तो इंशाल्लाह मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में एक नई जगह के साथ और नए प्लेसेस आज। तो भाई ख्वातीन हज़रात आप सबको बिसाइड द सिटी की तरफ से, मेरी और राफे की तरफ से बहुत बहुत ईद की खुशियाँ मुबारक। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।